नमस्कार, चंदी रसोई में आपका स्वागत है। आज आपको मैं हरी मिर्च भरवा बनाना सिखा रही हूँ। पहले मैंने आलू का मसाला बनाकर उससे भरकर आपको शिमला मिर्च जो है उसकी रेसिपी डाली थी। आज मैं इस तरीके की, वो ज़्यादा मोटी थी, ये थोड़ी पतली है, और इनको मैंने बीज में से काट के इनके अंदर से सारी मैंने जो बीज है वो निकाल लिया है, इनको खाली कर लिया बिल्कुल मैंने। और ये मैंने अमचूर लिया है और इसके अंदर एक चम्मच मैंने नमक का डाला है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और इनको हम भरेंगे। और ये मैंने हाफ़ बाउल मैंने हाफ से ज़्यादा लिया है बेसन का, जो हम इसको पकौड़ों की तरह फ्राई करेंगे। और ये मैंने एक चम्मच साबुत जीरे का लिया है और चुटकी भर मैंने हींग ली है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, मैं एक चम्मच नमक का डालूंगी, अब अपने स्वाद अनुसार डालिए। चलिए अब हम मिर्चें जो हैं इनको हम अमचूर और नमक से इनको अच्छी तरह भर देंगे इस तरीके। आपने सारी मिर्चें भर देनी है इनके अंदर से बीज निकाल के। ये देखिए, इस तरीके से चाहे कितनी भी मिर्च कड़वी हो, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, कड़वाहट खत्म हो जाती है इसकी। आप पराठों के साथ, किसी चीज़ के साथ भी आप खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर बीज बिल्कुल नहीं है, इनको मैं मसाले से भर रही हूँ, अमचूर और नमक से। ऐसे आपने सारी भर लेनी है। ये देखिए, ये सारी मैंने मिर्चें जो है ये मैंने अमचूर और नमक से भर के रख ली हैं, तैयार कर ली हैं फ्राई करने के लिए। अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। अब इसके अंदर मैं जीरा डाल रही हूँ और चुटकी भर हींग है डालने के लिए, और एक चम्मच मैं नमक का डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन का घोल तैयार करेंगे। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, अगर पतला बनाएंगे तो मिर्च जो है हमारी वो अच्छी तरीके से उसके ऊपर बेसन का जो घोल है वो लगेगा नहीं। थोड़ा सा पानी में, एक कप लिया था, थोड़ा सा पानी में और डालूँगी और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर मैंने रिफाइंड डाल दिया है फ्राई पैन में और तेल हमारा मोस्टली गर्म हो चुका है, मैं थोड़ा सा बेसन डाल के पहले ट्राई करूंगी कि हमारा तेल गर्म हो चुका है। हाँ, ये गर्म हो गया है। अब इस तरीके हमने जो हमारी मिर्च है भरी हुई, इनको हमने इससे आराम से इसके अंदर लगा के बेसन को, और धीरे धीरे इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए, इस तरीके अच्छे तरीके बेसन लगा लेना है। मैं डाल रही हूँ दोबारा, ये देखिए, अच्छी तरह से लगाकर बेसन को। अब इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। ये हमारी मिर्च बनके तैयार हो गई है। इनको मैं अब निकाल रही हूँ, ये हमारी फ्राई हो चुकी है। ये फ्राई हो चुकी हैं, देखिए। मैं इनको निकाल के सर्विंग प्लेट में डाल रही हूँ। ये हमारी हरी मिर्च का पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं।
आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, औरों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी बनाएं, और आगे भी जो मैं रेसिपी डालूंगी उसको भी प्लीज़ ज़रूर देखें और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये मैं देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट मिर्च बनी है और इनको आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये मैं देखो काट के दिखा रही हूँ, ये देखिए आप पराठे के साथ ऐसे भी आप किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, इनको बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।